हाई गाइज, उपासना हियर, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दोज हू आर न्यू, हाई एम उपासना। सो अभी मैं जा रही हूँ मेरी एक दोस्त से मिलने। सो एक्चुअली दो तीन दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी हाँ मैं बहुत इंडिया को मिस कर रही हूँ, इंडियन फूड को मिस कर रही हूँ। तो वो मेरा दोस्त बहुत प्यारा है, तो बोला कि ठीक है हम मिलेंगे, तो जिस दिन हम मिलेंगे तो हम इंडियन खाएंगे। तो आज मैं जा रही हूँ इंडियन खाने कोरियन दोस्त के साथ। सो ये एक न्यू एक्सपीरियंस होगा और देखते हैं वहाँ से हम कहीं और जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो चलिए मेरे साथ। वैसे मैं लेट हो गई हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए। रहा मेरा आउटफिट, ये थोड़ा सा रिबन भी है। ओके अभी जाना है, मेरा फ्रेंड इंतज़ार कर रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं पूरी मोदी खा कोया ऑन ए चिंगूया। तो अब ओदी घर को आया चिकन न्यू दिल्ली। ओ सो यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है न्यू दिल्ली, तो अभी हम वही जाएंगे लंच करने। तो चलिए अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रैफिक में। सो यस, सो फाइनली हम आ गए हैं। ये है न्यू दिल्ली, आप देख सकते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो देखते हैं इंडियन खाना कैसा है यहाँ का। और मैंने सुना है कि यहाँ का जो ओनर है वो भी इंडियन है, सो तो मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो ठीक है मैं जाऊँगी, खाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी, और प्राइस कितना है वो भी बोलूँगी। ठीक है चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये आदमी खड़ा है हम लोगों को स्वागत करने हम लोगों का। ओ डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, चलिए अंदर जाते हैं। तो ये है अंदर का डेकोरेशन, आप देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे हम बैठने वाले हैं, यहाँ पे जो डेकोरेशन है। ऐसे जगह पे आके ना थोड़ा होम जैसा फीलिंग आता है, फिर भी देखते हैं। सो ये है यहाँ का मेनू, आप थोड़ा मेनू देख लीजिए। मतलब ये है लंच सेट ऐसा कुछ है, मतलब हाँ इंडियन खाना यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये नावन, तो इसको अभी तो मैं मतलब कैसे मैं बोले, अभी तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट मैं एक आपको आइडिया दे सकती हूँ कि 1001 में 60 रुपये होते हैं, 60 रुपये। तो उस हिसाब से आप ये देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना किसका कितना प्राइस है। ठीक है तो ये आ गई है हमारी स्ट्रॉबेरी लस्सी, मैंगो लस्सी भी थी, बट एक चीज़ है ना, मैं ना इंडिया से बाहर कैसा मैंगो कैसा होगा ना, मैं वो ठीक ट्रस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए स्ट्रॉबेरी ठीक है, स्ट्रॉबेरी लस्सी पीते हैं। सो ये आ गया है हमारा चिकन दो प्याज़ा। ये थोड़ा अलग दिख रहा है, जैसे मैं इंडिया में खाती थी उससे थोड़ा तो अलग है, बट देखते हैं। नान तो ठीक है, ठीक ठाक ही लग रहा है, अभी टेस्ट करने से पता चलेगा कैसा है। लस्सी अच्छा था, लस्सी अच्छा है। सो मैं अभी मेरे फ्रेंड को हाथ से कैसे खाना खाना है वो सिखा रही हूँ। अच्छा ओके, ये देख रहे हो ऐसे, ओके हंस होने रसो इरोके याद है, इरोके हंस होने हसीसा हंस होने इरोके इगो इगो भा इगो इगो इ इ इ इरोके इरोके हागो इरोके약간 이렇게? 네. 이렇게? 네, 잘했어. 잘했어. 할 수 있어. 할 수 있어. 근데 이거는 우리는 이렇게 해. 보통. 오케이. 할 수 있어. 잘해. 잘해. 잘했어. 잘했어. 힘난데? 이거. 어때? 맛있어? 괜찮은데? 맛있어? 이건 처음 먹어보겠어. 맞아? 응. 소스를 좀 더 많이 해야겠어. 맛있어. 소스를 조금 했는데. 잘했어. 잘하고 있어. 맛있는데? अभी हम यहाँ से निकल के अभी हम जाएंगे पूरी चिकन मोदी घर को, सैमसंग योक, सैमसंग योक, सैमसंग राइट, इट्स सैमसंग सैमसंग वो किस मो इसो सैमसंग योक तो बुआ जलमादांग तो होगा वहाँ पे, एक बड़ा सा लाइब्रेरी है, तो हम अभी वहाँ जाएंगे। चलिए तो अभी हम फिर से हुएगीयोक में आए हैं, यहाँ से जाना है। तो आते वक्त हम एक गेम खेल रहे थे कि मुझे ये पूछ रहा था इंग्लिश में कि एक एक वर्ड और मुझे कोरियन में जवाब देना है, तो अभी वो सोच रहा है। ओ अभी भी सोच रहा है कौन सा पर मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले हैं। सो
सो अभी हम स्टेशन पे हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन का. मेरा फ्रेंड तो अभी भी मतलब वर्ड्स ढूंढे जा रहा है. ठीक है, ये फनी गेम है. थाशी थाशी उतन को मुरो वो कुछ अभी अभी भी ढूंढ रहा है. ठीक है, मुझे पूछने के लिए कौन सा वर्ड क्या है ये. ठीक है, अभी यहाँ से हम जाएंगे सैमसंग. अभी हम हैं सैमसंग योग में, सैमसंग स्टेशन. तो यहाँ पे जो बड़ा सा जो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है वहाँ हम जाएंगे. सो फाइनली हम आ गए हैं ये यहाँ पे. जो आपने शायद ये जगह तस्वीरों में कई बार देखी होगी, ये बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है. वाह, बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत भी है. देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे. सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है. और ये तो भाई एकदम बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा है. तो अभी हम एक एक्वेरियम देखने जा रहे हैं. ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मुझे लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता किधर है. ठीक है, लेकिन ये जगह भाई मस्त है, मतलब मस्त सब कुछ है, मतलब इतना अच्छा अच्छा. बाकी स्टेशन और बाकी जो सब है उससे बहुत अलग है, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है. सो ये है वो एक्वेरियम, लेकिन अभी हम अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सोच रहे हैं. ठीक है, देखते हैं बाद में. सो थोड़ा बैठ के हम डिसाइड करने पे सोचे कि नहीं, हमको एक्वेरियम नहीं जाना, क्योंकि सब बच्चे जा रहे हैं. पता नहीं अंदर बच्चों का लिए ही शो वगैरह है, हमको नहीं देखना. तो यहाँ बाहर एक मॉनेस्ट्री जैसा है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं. अगर फिर अगर टाइम मिला तो हम थोड़ा गांगनाम में भी जा सकते हैं, अभी तक श्योर नहीं है. अभी हम इधर उधर बस होता है ना, इधर उधर सिर्फ देख रहे हैं क्या है ना है, थोड़ा घूम फिर के ऐसा है. तो अभी हम जा रहे हैं ये सबवे से निकल के उस मॉनेस्ट्री है, चलिए देखते हैं. और देखिए मुझे मिल गया इंडिया का फ्लैग यहाँ पे उड़ता हुआ, अच्छा लगता है देख के. तो ये है वो मॉनेस्ट्री. वाह, देखिए ये आदमी यहाँ पे गाना बजा के हम लोगों का स्वागत कर रहा है. यहाँ है बुद्धा, वहाँ पे है और एक ऐसा आदमी. अंदर थोड़ा डेकोरेशन होके रखा है, चलिए अंदर जाएंगे. अब इंदो एसो ओशन बुच्छन में, ये इंडिया से आए हैं. ठीक है, वैसे तो इन जो बुद्धिज़्म की शुरुआत भी इंडिया से ही हुई थी, पर मुझे पता नहीं ये मूर्ति इंडिया से आई है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ, बुद्धिज़्म की शुरुआत तो इंडिया में हुई थी. हाँ बिल्कुल, फेस्टिवल की तरह लैंटन से सजाया हुआ है. ठीक हम छू जाएंगा, मेरे दोस्त को पता नहीं यहाँ पे कोई फेस्टिवल है कि नहीं, बट लग रहा है कोई फेस्टिवल है. तो एक्चुअली वहाँ पे ना कॉइन फेंकना है. ठीक है, लेकिन मेरा कॉइन अटक गया है, तो या मुझे सक्सेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा. सो अभी हम अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या है अंदर. तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा है, तो शायद यहाँ लोग सब प्रे के लिए सब कैंडल्स जला रहे हैं. मतलब यहाँ थोड़ा देर बैठ के भी ना आपका दिल काम डाउन हो जाएगा. तो यहाँ पे तो ये लोग पूरा प्रे कर रहे हैं. मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा बैठ के मन को शांत कर रहे हैं. तो यहाँ भी एक छोटा सा
टेम्पल है, वो नीचे वाला टेम्पल ज़्यादा बड़ा था, तो ये जो वहाँ से हम ऊपर आए हैं और अभी हम हाँप रहे हैं। खोगी सो खाल का कामसाहमिदा इंदो शुक्रिया आ शुक्रीम शुक्रिया शुक्रिया आ दे शुक्रिया। रहा एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू, हम सामने जाएंगे अभी, आहिस्ता जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ा वो देखिए बहुत बड़ा है ये, यहाँ से आप वीडियो में समझ नहीं पा रहे लेकिन एक्चुअली ये में बहुत बड़ा है। ये कितना बड़ा है आप अभी सोच सकते हैं, वो वहाँ पे एक आदमी को देखिए और इसका हाइट देखिए, बहुत बड़ा है। वाह, यहाँ पे बहुत छोटा 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 ऐसा करके मूर्ति पूरा ऐसा राउंड करके, फिर ये वाला पूरा बहुत बड़ा सा ये मूर्ति है, ये देखिए, ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा है। वहाँ भी छोटे 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 सारे बुद्धा की मूर्ति है। सो ये एक घंटा है पुराना, मुझे तो मन कर रहा था यहाँ से एक पत्थर उठाऊँ और फेंक दूँ, नहीं करना चाहिए, बट ये पुराना ज़माने का घंटा है, कोई शायद जब पूजा वूजा होता है यहाँ पे तब ये बजता है। यहाँ पे बड़ा सा ड्रम है, वहाँ से बड़ा सा घंटा है, जब शायद कोई प्रोग्राम होता है तब। एक्चुअली मैंने ये देखा है वो बहुत ड्रामे में, ऐसे धंग धंग करके ऐसे ड्रम बजाते हुए, तो वही होगा शायद। लेकिन अभी यहाँ पे जाना बंद, मतलब मना है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है रेड टेप। सो हाँ, यहाँ से वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे जाना है हमें। इसके अंदर ये कुछ प्रैक्टिस वगैरह हो रहा है, हम अंदर नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं। ये कुछ इस इंस्ट्रूमेंट का कोई स्कूल है, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं अंदर। सो अभी हम तो वहाँ पे घूम के अभी फिर से वापस जा रहे हैं, वहाँ जाके हम डिनर करेंगे फिर से। लेकिन ये जगह बहुत अच्छा लगा, मतलब माइंड काम डाउन हो जाता है, जैसे मतलब कोई धर्मीय स्थान ऐसा कहीं पे जाते हैं हम, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। सो फाइनली हम घूम घाम के फिर से वेगी आ गए हैं, अभी मैं डॉर्मेटरी जाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से फिर मिलेंगे मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।